गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल विच इज सिंपल लिविंग विद शिखा। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छी होंगी। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम आज मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि वट आई शॉप फ्रॉम कफ्स एंड लैशेज। एंड आई एम श्योर आप लोगों ने इस ब्रांड के बारे में सुना होगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसके प्रोडक्ट्स के रिव्यू किए हैं ऑलरेडी। एंड आई एम श्योर आप सब लोग जानते होंगे जो इसकी ब्रांड की ओनर निधि कटारिया, वो भी यूट्यूब पे वीडियोज डालती है मेकअप को लेकर के। तो मैं उनकी वीडियोस देखती थी, तो उन्हीं के थ्रू मुझे पता चला कि कफ्स एंड लैशेज जो है उनका ब्रांड है, और मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को उसके बारे में ब्रांडिंग करते हुए देखा, उसके रिव्यू शेयर करते हुए देखा। तो मैंने भी वहाँ से कुछ शॉप किया है। और फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जो प्रोडक्ट मैंने वहाँ से शॉप किए वो मैंने खुद से किए हैं, और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रही हूँ। और मतलब मैंने ये प्रोडक्ट्स खरीदे यूट्यूबर्स से इन्फ्लुएंस होकर, क्योंकि मैंने इन प्रोडक्ट्स को देखा था यूट्यूबर्स के पास में, बहुत सारे यूट्यूबर्स जो मेकअप आर्टिस्ट हैं जो मेकअप करते हैं, तो मैंने वहाँ से उनसे उनका रिव्यू देखकर मैंने इनको बाय किया। और अभी मेरा क्या रिव्यू है उनको लेकर वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, बताऊँगी कि क्या क्या प्रोडक्ट है जो कि मैंने वहाँ से बाय किए हैं। सो गाइज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने वहाँ से क्या खरीदा। तो ये है कुछ चीज़ें, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मैंने ये खरीदी वहाँ से आई शेडो पैलेट। ये है आई शेडो पैलेट इंचेंटिंग, तो ये वाली पैलेट मैंने वहाँ से खरीदी। और वैसे भी इस पैलेट के बारे में आपको मैं बताऊँ, ये आपको बहुत अच्छी अफोर्डेबल पैलेट मिलती है। इसमें जो इसका MRP है वो 1499 है, बट ये आपको इतने में नहीं मिलती, आपको डिस्काउंट में मिलती है। मुझे 800 समथिंग मिली थी। तो जो भी बिगनर्स हैं और जो मतलब मेकअप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कुछ ब्रांडेड चाहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी ना हो, तो उनके लिए बेस्ट है। जैसे मैं हूँ, मैं अभी मतलब मैं बिगनर हूँ मेकअप में, और मुझे कुछ ऐसा पैलेट चाहिए था जिसमें मुझे सभी तरह के शेड्स मिल जाए, पॉप कलर मिल जाए, ट्रांजेक्शन कलर मिल जाए, एंड शिमर भी मिल जाए, मैट भी मिल जाए। तो मैं ऐसी मुझे पैलेट नहीं मिलती। एज यू नो गाइस कि बाकी ब्रांड्स और सभी ब्रांड्स में जो है वो आई शेडो पैलेट कितनी महंगी होती हैं, और छोटी छोटी पैलेट्स आप लो, बड़ी बड़ी भी लो तो किसी में आपको मतलब बहुत सारी पैलेट लेनी पड़ती हैं आपको अलग अलग लुक क्रिएट करने के लिए। सो मैंने ये वाली बाय की। अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। ये 800 समथिंग की है, और ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आती है, इस तरह की कार्डबोर्ड की पैकेजिंग है। ये देखिए इस तरह की पैकेजिंग है, इसके अंदर आपको ये पैलेट मिलता है। तो इस पैलेट का जो ये ऊपर का जो सरफेस है ना, मैं आपको इसकी पैकेजिंग की बात कर रही हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये थोड़ा आपको ना कार्डबोर्ड टाइप का लगेगा, ये कार्डबोर्ड का ही है। तो अब मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ आपको। आप जो इसको ओपन करेंगे तो इस तरह की ये एक शीट है जो इसके ऊपर होती है ताकि कलर इधर से उधर ना हो। अब मैं आपको यहाँ पे इसके कलर्स दिखाऊँ ना गाइस, ये बेस्ट पैलेट है। मुझे मतलब इसके कलर बहुत अच्छे हैं, और आपको एक पैलेट लेनी है आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे। मतलब मैं बहुत सारे जो बिगनर्स हैं अपने पास मेकअप कलेक्ट कर रहे हैं, तो आप हर तरह की पैलेट खरीदना इतना ईजी नहीं होता सबके लिए। अगर आप ये एक पैलेट खरीद लेते ना, आप सारे जो आई लुक है वो क्रिएट कर सकते हैं इससे। क्योंकि इसमें आपको देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर आपको ये सब मैट हैं, ये सारे मैट हैं, ये पॉप कलर्स मिल जाते हैं, येलो, ऑलिव ग्रीन, ब्लू, स्काई ब्लू, ग्रीन, पिंक, तो ये सारे कलर आपको मिल जाते हैं। आप इस पैलेट से बहुत सारे काम कर सकते हैं, बहुत सारे, सिर्फ आई मेकअप नहीं, बहुत सारे। आप देखिए यहाँ पर आप ना आप यहाँ पे अपने फेस को कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कलर्स मिल रहे हैं। और यहाँ पे जो डार्क ब्राउन कलर है ये वाला, आप इससे अपने आईब्रोज फिल कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, इससे हाईलाइट कर सकते हैं चीज़ों अपने किसी भी चीज़ को। यहाँ पे गोल्डन कलर मिल रहा है, और जो अगर आपको कोई भी मैट पॉप कलर आपको ना ऐसा चाहिए कि जो पॉप करे आपकी आईज को ना, येलो, ऑलिव ग्रीन, तो यहाँ पे आपको ऑलिव ग्रीन, येलो, ग्रीन, ब्लू, ये कलर भी मिल जाते हैं। एंड ऑफकोर्स यहाँ पर आपका शिमर भी मिल जाता है, तो ये शिमर भी बहुत अच्छा है। अगर आपको चाहिए कुछ पार्टी वेयर, कुछ हैवी, तो आप यहाँ से शिमर कलर भी यूज़ करते हैं। और जो कलर्स इसमें दिए गए हैं वो कलर्स ऐसे हैं कि आप हर तरह का कोई लुक क्रिएट कर सकते हैं इस पैलेट से। तो ये पैलेट मेरे मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, अभी जो मैंने यहाँ पर आई शेडो अप्लाई किया है ये इसी पैलेट से, ये कलर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से ये ना पिगमेंटेड है, साथ ही साथ बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छे से आपके इसमें ना स्किन में मेल्ट हो जाएगा, ऐसा लगेगा नहीं कि आपने ऊपर से कुछ ना पोता हुआ है, वैसी फीलिंग नहीं आएगी। तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी। जो भी बिगनर्स हैं, जो भी मेकअप में न्यू इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप लोग ना
इस वाली किट में जरूर इन्वेस्ट कीजिए, आपको बहुत फायदा ही होगा क्योंकि कम पैसों में आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कलर्स, बहुत अच्छे लुक्स आपको, मतलब मैक्सिमम लुक्स आप इसमें से क्रिएट कर सकते हो। मैक्सिमम आपको अगर जो उसको डेली वेयर के लिए चाहिए तो वो सारे लुक्स इसमें से क्रिएट कर सकता है। अगर मैं आपको यहाँ पे स्वेचेस दिखाऊँ इसके, तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे ये मैट में जो है, ये देखिए आप इससे भी अपने आईब्रो फिल कर सकते हैं। मैं आपको इसके स्वेचेस दिखा देती हूँ, ये देखिए कितना पिगमेंटेड है वन स्वेच में। और दूसरे कलर्स में आपको दिखाऊं, मैं आपको यहाँ पे ऑलिव ग्रीन दिखाती हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा है। दिस इज ऑलिव ग्रीन एंड आई लव दिस कलर। दिस इज डार्क ग्रीन, गाइस कैन सी हाउ पिगमेंटेड। और मैं आपको इसका शिमर दिखाती हूँ, ये देखिए जरा सा टच किया है उसी में आ गए हैं, ये देखिए। और तो अब आपको पता चल गया इसके स्वेचेस में कितना पिगमेंटेड है, तो मुझे ये बेस्ट लगा और बेस्ट है मेरे मेरे मुझे बहुत पसंद आया। और मैं इसको सजेस्ट करूंगी अगर आप कोई ऐसा मेकअप किट देखना चाह रहे हो, पैलेट देखना चाह रहे हो जिसमें आपको एक पैलेट से सारे काम बन जाए, तो आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। बहुत पॉकेट फ्रेंडली भी है, बहुत ज़्यादा आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। 800 समथिंग कुछ आएगा, अमेजोन से मैंने इसको बाय किया था तो आपको इतने में मिल जाएगा इजिली वहाँ पर। अभी भी कलर्स बहुत अच्छे, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन जो इसका जो ये है ना, ये जो पैकेजिंग है ये भी अच्छी है, बस इसकी जो क्वालिटी है ना ये थोड़ा मुझे लूज लग रहा है, इतना टाइटली थोड़ा सा इसको और हार्ड होना चाहिए एकदम। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको इस चीज़ पे भी वर्क करना चाहिए। इतना अच्छा, इतना महंगा पैलेट है, इसके कलर्स बहुत अच्छे हैं और इसका डिजाइनिंग बहुत अच्छा है। देखिए कितना रॉयल लुक देता है यहाँ से। बट जो इसका जो ये जो कार्डबोर्ड है ना, ये काफ़ी मुझे ना थिक थिक चाहिए, ये थोड़ा सा पतला है। और बाकी बेस्ट है। अब मैं बताऊँ मैंने और क्या लिया है। सो मैंने वहाँ से लिया, एज यू नो कि कब से लेसेस में ना सबसे पहले ना मेकअप ब्रशेस आए थे, तो मैंने वहाँ से मेकअप ब्रशेस बाय किए। तो मैंने ये सोचकर बाय किया था कि अगर मुझे पसंद नहीं आएगा तो मुझे रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया। सो मैंने वहाँ से दो आई शेडो मेकअप के लिए, आई शेडो के लिए मैंने ये ब्रश मंगाए थे। ये ना ये भी वाइट था, ऐसा ही जैसा ये वाइट है। मैंने ये आज आई मेकअप किया है तो मैंने इसी से किया, इसीलिए इसका कलर जो है ऐसा हो गया है। और गाइज मैं आपको बताऊं, जो बिगनर्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनके लिए बताना चाहती हूँ। हम लोगों को ना ये होता है जो बिगनर्स होते हैं कि हम अभी न्यू स्टार्ट कर रहे हैं मेकअप, तो हम लोग सस्ते में इन्वेस्ट करते हैं। कभी मत करना, देर से लेना, थोड़ी कोई चीज़ें यूज़ करना, बट ऑलवेज यही सोचना कि जब भी कुछ लेना तो ब्रांडेड ही लेना। क्योंकि जब आप लोकल चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं आपको पता ही नहीं होता कि आपका जो मेकअप की फिनिशिंग है वो आ ही नहीं पा रही है, वो बिकॉज ऑफ उन लोकल प्रोडक्ट्स की वजह से। आप ब्रांडेड ब्रशेस का यूज़ करेंगे तब आपको पता चलेगा कि लोकल और ब्रांडेड में कितना फ़र्क है। ये इतना स्मूथ है, इतना अच्छा है कि इससे मेकअप करना इतना इजी हो गया मेरे लिए। बहुत अभी मैंने सिर्फ ये वाला ब्रश यूज़ किया, ब्लेंडिंग ब्रश, ये बहुत अच्छा है। और अब मैं सोच रही हूँ कि बाकी के जो मेकअप ब्रशेज हैं उनके मैं वो भी बाय करूँगी, क्योंकि मैं इन दो ब्रशेज से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इनफैक्ट मैं इसके साथ भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बस मुझे इसकी आउटर पैकेजिंग थोड़ी और थिक चाहिए थी और इसकी क्वालिटी अच्छी चाहिए थी, अदरवाइज ये पैलेट बहुत अच्छी है। तो आई एम वेरी हैप्पी विद दीज थ्री प्रोडक्ट्स। अच्छा बाकी की चीज़ें, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें। और इन प्रोडक्ट्स के लिंक अगर हो सकेगा तो दूंगी, अदरवाइज आपको ये अमेजोन पे इजिली मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जाकर इसको बाय कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।